साहित्य की अनेक विधाओं में यात्रा वृतांत भी एक विधा है। सुल्तानपुर जिले के पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एमपी सिंह ने अपनी देश और विदेश की विभिन्न यात्राओं का विवरण बड़ी ही सहज भाषा में लिपिबद्ध किया और देश प्रदेश के नाम से पुस्तक का प्रकाशन कराया। हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल पुस्तक की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं डॉक्टर एमपी सिंह से। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। साहित्य की विभिन्न विधाओं में यात्रा वृतांत भी एक विधा है। आमतौर पर लोग यात्राएं करते हैं, देश और दुनिया का सफर करते हैं, लेकिन वह स्वांतः सुखाय होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसे कलमबद्ध करते हैं, एक पुस्तक के रूप में सामने लेकर के आते हैं। जो नहीं घूम पाते हैं उस पुस्तक के साथ देश और दुनिया की सैर करते हैं। ऐसे ही एक साहित्यकार कहें या कि प्रोफेसर डॉक्टर एमपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने जो भी सफर किया दुनिया का उसे लिपिबद्ध किया और देश और दुनिया के नाम से एक पुस्तक लेकर के आए। और यह पुस्तक जो है आज की तारीख में उन नौजवानों के लिए और खासतौर पर उस पीढ़ी के लिए जो सोचते तो बहुत हैं, देखते भी बहुत हैं, लेकिन जान नहीं पाते, कलमबद्ध किया है उनके जानने के लिए, कलमबद्ध किया है उस पीढ़ी को बताने के लिए कि देश और दुनिया में क्या कुछ है और उसके साथ उसके अर्थ और महत्व को भी समझाया है। क्या मंतव्य रहा और क्या क्या इसमें खास है? पुस्तक की जो विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ, जिन जगहों पे मैं घूमा और जिन दूसरे देशों में मैं गया, उसकी जो वहाँ खास चीज थी, जो सांस्कृतिक वहाँ की धरोहर थी, कुछ विशिष्टता थी, कुछ व्यक्तिगत अनुभव मेरे जो आए, जो कहीं शायद और दूसरी जगह न मिले, वो मैंने अपनी पुस्तक में देने का प्रयास किया है। इसलिए ये पुस्तक लोगों को एक बार पढ़नी चाहिए, बिल्कुल आम भाषा में ये है। तो निश्चित रूप से ये पुस्तक जो है यात्रा वृतांत ही नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक झरोखा है जिससे हम देश के अंदर बैठकर के दुनिया की झलक पा सकते हैं। आशुतोष शुक्ला, DD News, लखनऊ।